दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। वीडियो का थंबनेल देखकर आप सभी को पता लग गया होगा कि ये जो वीडियो है आप लोगों को जो भी कॉमन डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड या फिर इस वैकेंसी के ऑनलाइन प्रोसेस से रिलेटेड उन सब का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और जो भी डाउट है आपका उम्मीद करेंगे कि क्लियर हो जाए। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी से रिलेटेड ऐसा कमेंट भी आया है जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा चुका हूं। उसके लिए हमने यहाँ पे अलग अलग टॉपिक पे वीडियोज ऑलरेडी बना दिया है और इसका प्लेलिस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और कंप्यूटर क्लासेस भी चल रहे हैं हमारे चैनल पे, तो उसे भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर जो है देखिए इन सभी वीडियोज को, प्रैक्टिस सेट है उसे लगाइए और जो भी कंप्यूटर में उम्मीद करेंगे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इन सभी सेट को और थ्योरी को पढ़ने के बाद में। कंटिन्यू जो है ये वीडियोज आ रहे हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट और थ्योरी का। ओके, आते हैं मेन टॉपिक पे आज के। तो हम लोग अभी आ गए हैं पावर पॉइंट पे और यहाँ पे हमने सबसे पहले ये लगा दिया है, देख लीजिए ये हमारे जो चैनल है उसका एनालिटिक्स है। आप लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 84.5% जो वो कैंडिडेट है वो इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ओनली वॉच करते हैं वीडियोज़ को और ओनली 15.5% ही जो है सब्सक्राइब किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उम्मीद करेंगे कि मेरे तरफ से कोई कमी ना रहे और बाकी आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे ये इन सभी कमेंट्स से रिलेटेड आपको रिप्लाई इस वीडियोज में मिलने वाला है। सबसे पहले ये जो है पांच कमेंट हमने लिया है और ये जो है पांचों एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, उसके आसपास है, तो इन सबको हम लोग पहले देखते हैं। पहला है यहाँ पे जयेश प्रताप सिंह जी का कमेंट कि ब्रो फिलअप फॉर्म फिलअप टाइम सर्टिफिकेट नंबर की जगह मार्कशीट नंबर डाल सकते हैं क्या, आगे हम बात करेंगे इनका। और दूसरा है अंकित कुमार यादव का, वो बोल रहे हैं कि एक बात पूछना था कि 10th और 12th है एंड ग्रेजुएशन में जो तीनों का मार्कशीट में सीरियल नंबर है वही सर्टिफिकेट नंबर होता है ना, ये पूछ रहे हैं और उसी को ना डालना है सर्टिफिकेट नंबर में, इनका भी रिप्लाई करेंगे हम। और अगला है कि कन्फ्यूजन है इनका कि मार्कशीट के ऊपर कॉर्नर में जो सीरियल नंबर है वो डालना है या सर्टिफिकेट पे जो है वो डालना है। और यहाँ पे फोर्थ जो है कमेंट वो है रवि कुमार यादव का, इससे पहले ये प्रतिभा कुमारी जी का कमेंट था और यहाँ पे रवि कुमार यादव का कमेंट है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे है कि ग्रेजुएशन का जो ऑनर्स है उसका नंबर डालना है कि टोटल नंबर सब्सिडी पेपर ऐड करके डालना है, तो इन सभी से रिलेटेड हम आपको बारी बारी से रिप्लाई करते हैं। सबसे पहले कि ये देखिए कि मार्कशीट नंबर होता क्या है, यहाँ पे देखिए एक हमने ये इंटरमीडिएट का जो है मार्कशीट का एक फॉर्मेट लिया है, क्या होता है मार्कशीट नंबर पहले वो जान लीजिए। ये 12th का यानी इंटरमीडिएट का बिहार बोर्ड का ये है और ऐसा ही आपको सेम फॉर्मेट मिलता है 10th का। ओके, यहाँ पे दो नंबर आपको देखने को मिलता है, एक जो है मार्कशीट सीरियल नंबर होता है और एक अलग नंबर भी आपको देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे 2016-17 से पहले जो भी बैचेज थे उनका जो मतलब एग्जामिनेशन था उसका ओनली मार्कशीट नंबर मिलता था और ये नंबर नहीं रहता था, लेकिन अभी क्या है नया जो मार्कशीट आया है उसको और सिक्योरिटी के लिए एक और एक्स्ट्रा नंबर प्रोवाइड कराया गया है। ये क्या है हमें भी नहीं पता है, लेकिन आपको मेन ये है मार्कशीट का नंबर, तो मार्कशीट का नंबर जहाँ डालना होगा ये डालना होगा मार्कशीट नंबर। वैसे यहाँ पे देखिए ये सर्टिफिकेट है, ऐसा ही 10th और 12th दोनों का सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पे सर्टिफिकेट मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। ओके, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ये और यहाँ पे 10th और 12th सेम फॉर्मेट होता है, यहाँ पे आपको एक सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा, तो यही होता है सर्टिफिकेट नंबर। जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यही होता है, जो सीरियल नंबर होता है, जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र का जो सीरियल नंबर होता है वही आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। ये आपको 10th और 12th दोनों को सेम देखने को मिलेगा। और एक आइए अगर ग्रेजुएशन पे, तो ग्रेजुएशन में आपको जो डिग्री सर्टिफिकेट आप लीजिएगा यूनिवर्सिटी से, डिग्री सर्टिफिकेट जो होता है वो सर्टिफिकेट नंबर होता है। अगर आपके पास में डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका भी सोल्यूशन हम बताते हैं। हाँ देखिए, एक हो गया मार्कशीट, दूसरा हो गया यहाँ पे सर्टिफिकेट और एक होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देख सकते हैं औपबंधिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये जो है 2016 का 12th का एग्जामिनेशन का यहाँ पे औपबंधिक प्रमाण पत्र है। यहाँ पे सीरियल नंबर है तो ये इसका सीरियल नंबर है, तो आपको जो सर्टिफिकेट नंबर डालना है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाला का डालना है, इसका आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। ओके,
अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो, अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है सबसे पहले तो 10th और 12th को जल्दी ही मिल जाता है, 10th और 12th को जल्दी ही मिल जाता है सर्टिफिकेट नंबर, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो आप जो है मार्कशीट का नंबर डालिए, आप मार्कशीट का इसका नंबर डालिए ये वाला। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास में जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट का नंबर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का नंबर नहीं डालना है, क्योंकि जब आप डीवी में जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपसे क्या डिमांड किया जाता है, आपसे मांगा जाता है मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे कोई भी नंबर आपके पास, अगर अभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो कम से कम मार्कशीट के नंबर का आपके आपको मैच वहाँ पे कराया जाएगा। इसलिए आप कोशिश ये कीजिए कि अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट का जो है नंबर आप डालिए, कौन सा मार्कशीट का नंबर, ये वाला। ओके, तो ये तो सबके पास होगा ही, तो ये आपको डालना है, सर्टिफिकेट नंबर नहीं रहने पर मार्कशीट का नंबर डालना है। अब बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन वालों को क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन में बहुत लोग जो होते हैं उनको डिग्री सर्टिफिकेट निकालने में टाइम लगता है, तो आपसे हम यही कहेंगे आप भी जो है मार्कशीट का ही सीरियल नंबर यहाँ पे डालिए। ये देखिए, सॉरी, मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से लिखा जा सकता है। तो जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है उसका नंबर आप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलते हैं, ये जो कमेंट था यहाँ पे कि फॉर्म फिलअप करते समय मार्कशीट नंबर डाल सकते हैं कि नहीं, तो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो ज़रूर आप मार्कशीट नंबर ही डालिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर मत डालिए। उसका वैलिडिटी बहुत कम होता है, 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक ओनली वैलिडिटी होता है, तो वो इनिशियल डेज के लिए होता है। अगर आप एग्ज़ाम किए 1 ईयर पार हो गया है तो उसका वैलिडिटी मान लीजिए कि ख़त्म ही है। तो जब मैचिंग कराया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से तो किसी से तो मैच होना चाहिए, उस कंडीशंस में आपके पास में मार्कशीट अवेलेबल रहेगा, तो मार्कशीट का नंबर आप डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आप मार्कशीट नंबर बेशक डाल सकते हैं अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो। कोशिश कीजिए कि कम से कम 10th और 12th का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नंबर ही डालें। ओके, यहाँ पे तो इसका भी हो गया कि क्या होता है सर्टिफिकेट और क्या होता है मार्कशीट, इसका भी हो गया काम। ये देखिए जो थर्ड कमेंट है इसमें भी बताया गया कि मार्कशीट के ऊपर जो कॉर्नर में सीरियल नंबर होता है वहीं है ना, तो आपको हमने बता दिया कि मार्कशीट में जो नंबर होता है वो मार्कशीट नंबर होता है, जो MS नंबर लिखा होता है। अलग अलग जो बोर्ड होता है उस हिसाब से वेरी कर सकता है, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा। ओके, और जो सर्टिफिकेट का नंबर है ओरिजिनल सर्टिफिकेट पर जो अवेलेबल रहता है सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, वो होता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं कि नहीं, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर ना ही डालिएगा तो अच्छा है मेरे कहने से, और बाकी आपका डिसीजन फाइनल होगा। इसमें मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर ना डाल के आप जो है मार्कशीट नंबर डाल दीजिए, वो अच्छा रहेगा। अगला यहाँ पे है कि ग्रेजुएशन का ऑनर्स का नंबर डालना है कि, सॉरी, ऑनर्स का नंबर डालना है या फिर टोटल सब्सिडी का जोड़कर डालना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो फॉर्म भरे थे, जो हमारे फ्रेंड लोग हैं अलग अलग वैकेंसीज के लिए, उनका डीवी हुआ तो उसमें कुछ लोग जो है टोटल नंबर डालकर यहाँ पे डाले थे सब्सिडी प्लस ऑनर्स टोटल नंबर का यहाँ पे, और कुछ लोग जो है ओनली ऑनर्स का डाले थे। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं उनको डीवी में, और ना ही प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी एक चीज़ मैच होना चाहिए आपको, और टोटल नंबर भी डाले हैं तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ है उसमें क्या होता है, देखिए ग्रेजुएशन के हिसाब से आपका जो है क्लास डिसाइड होता है। आपका फर्स्ट डिवीज़न जैसे कि ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ऑनर्स के हिसाब से देख सकते हैं कि जो आपका डिवीज़न है वो क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि आपका फर्स्ट डिवीज़न 480 नंबर अगर ऑनर्स में आता है तो आपका फर्स्ट डिवीज़न 360 आता है, तो यहाँ पे सेकेंड डिवीज़न यहाँ पे लिखा गया ऑनर्स सब्जेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑनर्स के हिसाब से इसमें लिया गया है, और उसमें आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो पूछ रहा है डिवीज़न, तो उस हिसाब से जो BSPSL वैकेंसी है तो वहाँ पे ऑनर्स वाला सब्जेक्ट ही जोड़कर डालिएगा तो बेहतर होगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑनर्स सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑनर्स सब्जेक्ट में यहाँ पे 483 मार्क्स जिसका है ये मार्कशीट उसका आया है, और यहाँ पे डिवीज़न जो है फर्स्ट लिखा गया है, देख सकते हैं। तो ऑनर्स के हिसाब से ये डिसाइड किया गया है कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड, तो आप ऑनर्स लिखिएगा अच्छा रहेगा। अगर ये भी लिख दिए हैं या फिर लिख चुके होंगे तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे मेरा ये कहना है कि आप जो है ऑनर्स का पेपर जोड़कर लिखिए, जैसे कि 400 यहाँ पे 483 मार्क्स आया है तो पूछेगा अब मार्क्स ऑफ 10, तो 483 डालिएगा उसमें, और मैक्सिमम मार्क्स पूछेगा, फुल मार्क्स जो है यहाँ पे दिया गया है 800, ये
तो ये 100 डाल दीजिएगा फुल मार्क्स। तो आप देख लीजिएगा आपके मार्कशीट में क्या है फुल मार्क्स, उस हिसाब से डाल दीजिएगा। ओके, तो आप किसका, तो ये ऑनर्स पेपर का आप जो है डिटेल डालिएगा, बेहतर होगा। तो ये आपको उम्मीद करेंगे इन सब का रिप्लाई आपको मिल गया। बाकी तीन और कमेंट बचे हुए हैं। एक है कि सर फॉर्म अप्लाई करते टाइम जाति निवास आय NCL ये सब का ऑप्शन नहीं आ रहा है, का क्या नहीं लगेगा क्या, इनका पूछना है। विकास ब्लॉग करके हैं एक, उनका ये कहना है। तो हम आपको बता दूं कि जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड नहीं करना है, यहाँ तक कि आय जाति निवास का यहाँ पे कोई भी सीरियल नंबर भी नहीं डाला जा रहा है। पता नहीं क्यों, डिटेल तो लेना चाहिए उन्हें, लेकिन ये भी डिटेल वो नहीं ले रहे हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रख लेना है, जब DV होगा तो उस टाइम पे, जब अभी फॉर्म अप्लाई करें उससे पहले तक का डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी अपलोड भले ही ना करना पड़ रहा हो, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट जो है एग्जामिनेशन के लास्ट डेट से पहले जो है रेडी करके आप रख लीजिएगा। सॉरी, जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है उससे उसके पहले रेडी करके रख लीजिएगा। यहाँ पे ये पूछ रहे कैंसिल सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के बाद का बना हुआ वैलिड होगा क्या, तो हो सकता है कि बाद में वो लोग एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अभी जो बिहार में कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें थोड़ा टाइट रूल था, और वो मांगे थे जो डेट दिए थे उसमें कि फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है उससे पहले तक का डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। तो आप जितना जल्दी हो सके आप जो है NCL बनवा लीजिए, बनाकर रख लीजिए, और उस टाइम पे जब DV के टाइम पे जरूरत पड़ेगा तो एक न्यू भी बनवा लीजिएगा, लेकिन अभी का सभी जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी करके रख लीजिए। एक इनका ये जेट ओ आर एक्स कुछ करके यूजर हैं, उनका कमेंट है। एक सुरुचि कुमारी जी का कमेंट है, सर मेरा पेमेंट फेल्ड बोल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या सर्वर डाउन है, या फिर ये बोल रहे हैं कि कल से आज तक सेम प्रॉब्लम बता रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूँ कि आप लोग पेमेंट कर रहे होंगे तो क्या इरर आ रहा है। अगर सभी लोगों को इरर होगा ऐसा, तो हम जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे, और पहले हम ऑनलाइन अप्लाई करके देखेंगे, एक दो पेमेंट करके देखेंगे, उसके बाद में हम इसका जो है आपको रिप्लाई कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ इसको बता, आप जो भी लोग अप्लाई कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, अगर उनको प्रॉब्लम आ रहा है तो यस और नो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।